तैयार तुम? तू डरता नहीं है, मैं डरा दूंगी तुझे। हाँ ठीक है तैयार। छोड़ के नहीं, अरे 9 पे निकाल ले उसे। गोपियां नी जानी है राधा तो मन की, नानी है रानी है क्या था? अरे नानी या रानी में से क्या था, भूल गया मैं। नानी क्या थोड़ी होगी, रानी होगी, नानी क्या होगी। क्या बेकार बेकार, इधर देख के बोलो कि दिमाग मत खराब कर, ये सब लोग सुन रहे हैं तुम्हारी। मच्छर खा ले। मच्छर पकड़ लिया। मैं क्या कह रहा हूँ, इधर देख के बोलना कि कैसे हो सब। क्या कैसा है तू? मैं नहीं, ये कैसे हैं जो कैमरे के पीछे बैठे हैं? कौन बैठा है? बैठे है? बैठे हैं लोग पीछे। अच्छा क्या कह रहे हैं? ये आपसे कह रहे हैं कैसी हो दादी? मैं बहुत बढ़िया हूँ। खराब हूँ? नहीं, ये पूछ रहे हैं तुम्हारी ना आवाज में, इनकी आवाज में वो बुलंद, वो जोश कम पड़ जाता कहीं ना कहीं। तू है बकवास कम करती है अपने। अब आया ना। कर तू फालतू मत भौंका कर। बोलो कैसे हो, क्या हाल है बच्चों, इनसे पूछो कैसे हो, क्या हाल है बच्चों। हाँ बताओ जरा। और बोलो कि लंबी उम्र जियो, सदा सुखी रहो। सुखी रहो सदा, लंबी लंबी उम्र जियो। और वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब इन्हें गुड नाइट कर दो। गुड नाइट। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, जो दिल्ली के होंगे उनको पता होगा। तो अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बाहर आके धूप, और जब ठंड हो धूप के अलग ही मज़े होते हैं, ये आप सबको पता होगा। तो अब यहाँ बैठ के लूँगा थोड़ी देर धूप। और अब देखो ये कितनी चला गए। अब हमारे पास ये एक चेयर थी बड़ी वाली, तो अब ये आके खड़ी हो गई है। अब इनका ये मतलब है कि तू इस मुड्ढे पे बैठ छोटे पे, और ये इस पे बैठेंगी। देख रहे हो इनके नवाबी शौक। तो कोई नहीं, चलो हम बैठ जाएंगे। आए आए, उम्र हो गई अब तो। तेरी ना, तेरी उम्र हो गई। क्या कह मदर में से गिरावेगा। आए राम दादा, आए आए दादा। कमीना, मतलब कि बकवास कर रहे हो। अब ये घुटने साथ नहीं देते। सुनो तो, मैं इन लोगों को बोल रहा था, थोड़ा ऊंचा बोलना अभी ताकि आवाज पहुंच जाए। अच्छा। मैं इन लोगों को बोल रहा था कि जैसे हम सबको प्लांट्स लगाने चाहिए अपने घरों में, चाहे एक दो ही लगाएं, क्योंकि हम सबको पता है कितने जरूरी हैं। सही बोल रहा था ना मैं? देख रहे हो ना, गलत तो नहीं सिखा रहा? नहीं सही है। अच्छा सिखा रहा हूँ ना। तो मैं कह रहा हूँ जैसे हमने प्लांट्स लगा रखे, तो मैंने इनको कहा कि मैं आपको भी दिखाता हूँ हमने कौन कौन से प्लांट्स लगा रखे हैं और उनके क्या क्या फायदे होते हैं। तो अब आपको दादी बताएंगी, क्योंकि मेरे को एक दो के बारे में पता है, पर बाकी दादी को पता है कौन कौन से प्लांट्स हैं। एक है एलोवेरा। ये है एलोवेरा। एलोवेरा के फायदे हमारी स्किन के लिए अच्छा है। अच्छा ये है, पेट के लिए भी अच्छा है। हाँ। गैस नहीं बनने देता, इसका जूस पियो तो। अच्छा। हाँ। उसके बाद लड्डू भी बन जाते हैं। हाँ। बनाने वाले। उसके बाद वहाँ पे तुलसी भी है हमारे पास। तुलसी जी आपका सबको पता है। तुलसी है, दूसरी ये है क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा। पत्थर चटा है यहाँ पे। पत्थर चटा इसलिए है कि जिसके पत्थरी होती है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ तो गाइस यही सब है, पत्थर चटा हो गया हमारे पास, एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गई, और भी एक और क्या क्या, ये क्या है, धनिया वनिया भी तो था। मरवा। हाँ मरवा है, मरवे की गाइस चटनी बनती है, जैसे धनिया की बनती है ना चटनी बनती है, बहुत स्वाद। वैसे मरवे की भी चटनी बनती है, बहुत बढ़िया। पत्थर चटे की कहानी बताता हूँ, जैसे दादी ने बताया ना पत्थर चटा है, तो जैसे मेरे फादर के पथरी हुई थी, पत्थर चटा एक प्लांट है, उसका पत्ता खाते थे, मतलब सुबह भिगो के, सुबह भिगो के तो गैस उससे ये होता है पथरी उनकी बॉडी से निकल गई थी। तो आपको भी एडवाइस, अगर आपको आयुर्वेदिक जुगाड़ चाहिए तो एग्जांपल है घर में, पत्थर चटा खाओ पथरी निकल जाएगी, ये मेरे फादर की गारंटी है और उनके साथ हुआ है। तो ये हर समय अपनी बहनों को फ़ोन करती रहती है, जब देखो तब। और एक तो चार चार पांच पांच बहनें बना रखी हैं इन्होंने, मतलब बना के रखी हैं ही, एक ही माँ की बेटी हैं। तो ये अभी एक से फ़ोन करके हटी हैं, अब दूसरी को फ़ोन कर दिया, मतलब क्या बताऊँ इनको, कुछ ना बता। इन्होंने खून पी रखे हैं सबके। तेरा ना, ये देखो तेरा पिया है। एक तो सबसे बड़ी है तो सबके, तू कैसी है तू कैसी, अरे खुद तो तुम ठीक हो जाओ, कैसी हो, दूसरों से पूछ रही हो। दुख वाला पार्टी होता है जब आप बैठे हो धूप के अंदर और धूप जानी शुरू हो जाए, उस समय सबसे ज्यादा दिल टूटता है। ये देखो वो वहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, वो सूरज उस बिल्डिंग के पीछे जा रहा है। या तो मैं ये बिल्डिंग तोड़वा दूं तो मुझे धूप मिल सकती है, नहीं तो मैं चुपचाप अंदर चला जाऊं, क्या करूं। दूसरों की बिल्डिंग तोड़वा दे, और कोई काम नहीं है तुझे, बकवास करता है बेकार। तुम्हें भी चाहिए थी धूप, और क्या, तुम्हें भी तो चाहिए थी, तुम आई थी। चाहिए तो इसका मतलब ये थोड़ी है किसी का घर भी तोड़ेगा, वो तो बोलने की बात है। कल को कोई हमारा तोड़ दे फिर,
हमारा भी टूटेगा, हमारा ग्राउंड फ्लोर पे ही तो फायदा। तो गाइस अभी अभी दादी की बहू का यानी कि मतलब पोते की बीवी, पोते की बीवी का दादी की जन्मदिन है, तो उनका नाम पूजा है। तो हैप्पी बर्थडे भाभी, तो मैं ही विश कर रहा हूँ। और वो यहाँ से बाहर रहते हैं, तो अब दादी को देखो, अब दादी क्या कर रही हैं, दादी उनको विश करने जा रही हैं। अब देखो यहाँ पे पोस्ट पे, अब उन्हें विश करेंगे। करो क्या कर रही है, गॉड ब्लेस यू। हाँ लिख लो जी जी, हैप्पी बर्थडे तो लिखा है, उसके साथ साथ इमोजी भी बनाया है, ये केक वाला और ये सेलिब्रेशन का, और गॉड ब्लेस यू। देख रहे हो प्रभा वर्मा, और तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर गायब है, यहाँ से कहाँ है? प्रोफाइल पिक्चर तो लगाओ अपनी। कौन सी? ये जो ये प्रोफाइल पिक्चर होती है, वो जो तुम्हारी लगी हुई थी बड़े पापा के साथ, दादाजी के साथ, कहाँ है? हटा दी। वो पता नहीं कहाँ गई। मैं तुम्हारे लिए गेम लेके आया हूँ आज। यार मत जा, सच में लेके आया हूँ, कुछ भी नहीं करना, बैठ पे बैठे बैठे। क्या गेम कैसी है? देखो गाइस मैं पिछली गेम इनसे हार गया था, आपने तो देखी होगी, अगर नहीं देखी वीडियो तो मैं ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके देख लेना। जो हमने खेले थे 5 स्टोन खेला था हमने, उसके अंदर तो मैं हार गया था। बट अब आज वाला गेम शायद तो नहीं जीतूंगा ही मैं। तो आज वाले गेम में क्या है, आज हम करेंगे थंब फाइट। आप लोगों को पता होगा, इनको नहीं पता होगा, इनको थोड़ा सा समझा देता हूँ थंब फाइट, बाकी ये पुराने लोगों को कहाँ पता होगा। जवान बच्चे हैं, हमें पता है सब। हाँ, तो पता है, बताऊंगा ना। नहीं, जो नहीं आसान है। हाथों से खेली है। हाँ, कुछ इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी से डरने लग गई। तो गाइस अभी मैंने जैसा आपको बताया था थंब फाइट खेलेंगे, और अभी पापा ने फोन पकड़ रखा है पीछे, तो थंब फाइट दिखाता हूँ। तो देखो थंब फाइट में क्या करना है, ये आप लोगों को तो पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। तीन राउंड है इसके अंदर, ऐसे पकड़ लेने हाथ। अब क्या करना है, हम ऐसे करेंगे, मतलब हम पहले ऐसे करेंगे 1 2 3 4 10 काउंट करेंगे, उसके बाद क्या करना है 10 काउंट करते ही हमारी फाइट शुरू हो जाएगी, अंगूठे से लड़ाई। अच्छा, अंगूठा लड़ाई इसका मतलब हिंदी है, अंगूठा लड़ाई। ठीक है, अब क्या करना है, किसी हमें ऐसे रहना है, ऐसे हाथ बंद रहेंगे, ऐसे अंगूठे को पकड़ लेना और 10 काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसने जिसका ऐसा दबा दिया वो एक राउंड जीत गया, ऐसे 3 राउंड होंगे बस। ये इतना आसान है, इतना आसान है, पर मेरे को पता डर लग रहा है। कभी नोटिस करना, आपके दादा दादी घर पे हो ना भाई, मैंने देखा हमारे हाथ कितने छोटे छोटे, इनके हाथ कितने चौड़े हैं, क्योंकि पहले के लोग जैसे हमारे बड़े बताते हैं कि कपड़े वपड़े नहीं छोड़ते थे, और मतलब बहुत ज्यादा हाथों से काम करते थे, देखने के हाथ कितने चौड़े हैं मेरे आगे, जबकि ये देख लो, खुद देख लो तुम। मैंने गलत पंगा ले लिया, पर मैं डरता तो हूँ, तुम्हें पता। हाँ, तुम डरता नहीं है, मैं डरा दूंगी तुझे। ठीक है, तैयार हो? पहले 10 काउंट होगी, फिर समझ गई। जब बोलूंगा स्टार्ट, तो हमें ऐसे ऐसे पकड़ के आपको 1 2 3 4 मतलब आपको नहीं मुझे करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। रेडी हो? पहले रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब स्टार्ट। अब आपको मेरा अंगूठा दबाना है। हाँ, किसी तरह। ओए अबे छोड़, अबे छोड़ के नहीं, अरे जीत गई, अंगूठा ही दबा दिया भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, इनके हाथ में बड़ी जान है, इन्होंने ऐसे ही, मैं खोल ही नहीं पा रहा, ऐसे दबा दिया अंगूठा मेरा। ये अंगूठे का साइज ही देख लो, इनका कितना चौड़े हैं हाथ मेरे। चलो एक राउंड हो गया, अब बताता हूँ। अब मैं पहले थोड़ा लीनियंट था, अब देखते हैं। रेडी हो? चलो जय माता दी, चलो स्टार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे निकाल ले उन्हें। चलो कोई, चलो फिर से आपके मैं तो आऊंगी। अबे यार शोर। इतने बड़े बड़े हाथ हैं, ऐसे ऐसे दबा देते हैं अंगूठा, सांस रोक देती है मेरे हाथ की। बोल जा। फिर हार गया तुम्हारा भाई। इन लोगों के आगे नहीं जीत सकते हम, ये पुराना खाया पिया है इन्होंने, और हम आजकल के शहर के लड़के, वो बात नहीं है। सैड डे, अब क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके जाना, और आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ इसके साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यार, आप अपने सब जो भी हमारे भाई बहन जो भी देख रहे हैं यार, आप सब अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सीखो। सबकी तू मैं होती है, मेरी भी होती है, बट उस चीज़ को मिट्टी डालो और आगे बढ़ो।
क्योंकि हमेशा एक चीज दिमाग में याद रखना, कल को आपको भी उनकी जगह पे आना है, तो ये हमेशा याद रखना। तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको खुश रखो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं, खेलता हूँ तुम्हारे साथ? बहुत बढ़िया लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फास्ट से सुन लेते क्या कह रही है, तारीफ हो रही है मेरी। तो कहते हैं मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, जब तू दंगा करता है तो शैतानी करता है। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी दंगा करो, शैतानी करो, बट लिमिट में। मतलब दंगा शैतानी मतलब मस्ती करो और अपने अपने बुजुर्गों को खुश रखो। ये बात तो सही है। तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक करके जाना, याद रखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं देख रहा हूँ व्यूज तो आप दे रहे हो, कमेंट भी अच्छे अच्छे दे रहे हो, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर देना। तो बाय कर देते हैं, बाय कर दो, बाय 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 बाय।